नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 सामाजिक विज्ञान विषय में प्रकरण 5 विज्ञान और टेक्नोलॉजी वारसा में आप आगळना वीडियो की अंदर विज्ञान वारसो विज्ञान अर्थ और धातु विद्या विषे समझ मेळवी। हवे आपणे रसायन विद्या विषे समझ मेळवीए। प्रकरण 5 प्राचीन भारते रसायन विद्या में साधेली प्रगति। तम रसायन विद्या एटले के रसायन विज्ञान एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। आ रसायनों उपयोग कर जुदा जुदा प्रकार प्रयोगों कर कई कई वस्तु अंदर रसायनों उपयोग कर हमें जी लीए जम के कृषि बीज है, छोड़ है, खनिज है, विविध धातुओं निर्माण में, औषधीय निर्माण में रसायनों उपयोग कर प्रयोग कर बधीज वस्तुओं व्यवहार में उपयोगी बना सकते रीते वस्तुओं निर्माण कर। सौ प्रथम आ रसायनों उपयोग करने प्रयोग आचार्य नागार्जुने करेलो। कोने करेलो? आचार्य नागार्जुने, के जे नालंदा विद्यापीठनी अंदर बोध आचार्य नागार्जुन ने रसायनशास्त्रना आचार्य तरीके ओळखवामां आवे छे। अने आ नालंदा विद्यापीठ छे ए बिहारनी अंदर आवेली छे। एटलू ज नहीं, आचार्य नागार्जुने रसायनों उपयोग करवानी तो आपणने भलामण करी, एनी साथे साथे आपणे रसायन विशे वधारे ज्ञान प्राप्त करी शकीए ए माटे नागार्जुने बे पुस्तकों लख्या छे। एक पुस्तक एमनुं छे रस रत्नाकर अने बीजू छे आरोग्य मंजरी। अने आ बन्ने पुस्तकोनी अंदर तेमणे मुख्य रस, उपरस, 10 प्रकारना वेस, धातुओनी भस्म आ विविध बाबतोनो समावेश तेमणे करेलो छे। एटलू ज नहीं, आचार्य नागार्जुने वनस्पति औषधि साथ रसायन औषधनो उपयोग केवी रीते करी शकाय तेनी भलामण पण तेमणे करी छे। एमने पारानी भस्म करी अने औषध तरीके वापरवानो प्रयोग पण सौ प्रथम आचार्य नागार्जुने कर्यो होवानुं मनाय छे। नालंदा विद्यापीठनी अंदर आचार्य नागार्जुने रसायन विद्यानो अभ्यास अने संशोधन विद्यार्थीओ सारी रीते करी शके ए माटे एमने नालंदा विद्यापीठनी अंदर ज स्वतंत्र रसायनशाळा एटले के प्रयोगशाळा अने भठ्ठीओ बनावी हती अने तेमां प्रत्यक्ष रीते विद्यार्थीओने प्रयोग करावी अने रसायनों ज्ञान आपवामां आवतुं हतुं। अने आपणने घणा बधा रसायनों उपयोग करेला उदाहरणों, घणी बधी वस्तुओं प्राप्त थई छे तेना उदाहरणों आपणे जोई लईए। बिहारना भागलपुर जिल्लामांथी 7.5 फूट ऊँची अने 1 टन वजन धरावती मूर्ति आपणने मळी आवी छे, जेमां पण रसायनों उपयोग थयो छे। तेमज 18 फूट ऊँची भगवान बुद्धनी ताम्र मूर्ति नालंदामांथी मळी आवी छे अने दिल्लीनी अंदरथी 7 टन वजन धरावतो अने 24 फूट ऊँचो एक लोह स्तंभ मळी आव्यो छे अने जेनी अंदर पण रसायनों उपयोग करी अने तेनुं निर्माण थयुं छे। अने आ लोह स्तंभनुं निर्माण चंद्रगुप्त बीजो एटले के विक्रमादित्य कर्या होवानुं मनाય छे। अने आ स्तंभनी विशेषता ए छे कि टાઢ તાપ વરસાદના કારણે પણ આ જ દિન સુધી આ લોહ સ્તંભને કાટ લાગ્યો નથી, આ તેની મુખ્ય વિશેષતા છે। આમ રસાયણ વિદ્યા ક્ષેત્રે આચાર્ય નાગાર્જુનનું ઘણું બધું પ્રદાન રહ્યું છે। થેન્ક યુ।